हम जा रहे हैं लोहितपुर मेरे मायके। तो मैंने खाना वाना सब रेडी कर लिया, दूध गर्म कर रही हूँ। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया है चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पोटल भाजा एग का मैंने ग्रेवी बनाया है, हल्का हल्का ग्रेवी है और साथ में है दाल। और कुकर में ना चावल देखिए यहाँ पर है और ये दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये देखिए हम निकल गए हैं लोहितपुर के लिए। तो अभी जो जगह मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो करूँगी, तो इस जगह से ना मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। जब मैं 11th 12th पढ़ रही थी ना, उस टाइम यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जब भी मैं आना जाना करती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे, तो मैं उन्हें ढेर सारे इक्लेस देती थी। और ये है मेरा स्कूल जहाँ मैंने 9th और 10th पढ़ा है। और इसके बाद अभी भी थोड़ी दूर है लोहितपुर। तो देखिए बादल बहुत ही सुंदर, पहाड़ के ऊपर ना पूरा बादल था। हम अभी पहुँचे हैं, तो दिशु के पापा ने हमें 25 मिनट में ही पहुँचा दिया। तो अभी हम नाश्ता करेंगे, घर से नाश्ता नहीं किया था। तो इसमें मिर्च नहीं है, और ये दिशु के पापा का, और ये मेरा। मैं रोटी खाऊंगी, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी। अभी मम्मी दिशु को खिला देगी। और यहाँ पर डांस चल रहा है, देखिए। ये मेरी जो फ्रेंड है ना, उसके भैया की बेटी है, पड़ोस में रहती है, तो उसके पापा के साथ आई थी। तो देखिए वो बोली कि मुझे गाना लगा दो चिटिया कलैया, तो वो लगा दिया। तो देखिए कैसे नाच रही है, बच्चे ना कितने क्यूट होते हैं। और ये देखिए दिशु भी आ गई है उसके साथ, दोनों ने बहुत ही डांस किया था। और उसे ना मैंने एक मिठाई दी है, देखिए वो थोड़ा सा खा रही है, फिर हाथ में रख रही है, फिर थोड़ा सा खा रही है, फिर रख रही है। एक घंटा हो गया, वो पूरा फिनिश ही नहीं कर पा रही है उस मिठाई को। तो देखिए उन लोगों का, दोनों का डांस। आज बहुत ही गर्मी दी है, मेरा बिंदी बिंदी कहाँ गया पता नहीं। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, और अभी बज रहे हैं 1:30। तो चलिए आज दिखाती हूँ लंच में। आज तो जीशु के पापा को जमा यादव मिला है अच्छा से। तो फ्रेंड्स, दिशु के पापा ना 3 महीने से ऊपर हो गए लोहितपुर नहीं गए थे। मम्मी बुलाए जा रही थी कि आओ आओ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था उन्हें। तो ये देखिए सासू माँ और साली दोनों ने मिलकर पूरा प्लेट सजा कर दिया है। हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो सारा कुछ सामान पैक हो गया। और मेरा बिंदी तो कहाँ चला गया, तो मैंने मम्मी की लगाई है, थोड़ी बड़ी है। और पापा तो बापड़े तो अभी हम जा रहे हैं, और दिशु के पापा स्कूटी लेकर गए हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो वहाँ तक मैं पैदल जाऊँगी। टेंशन हो गया, तो उसने मुझे दिया है, तो मैंने पर्स में डाल लिया और सुमन जाएगी छोड़ने के लिए। और मम्मी देखिए बैग लेकर रेडी है, इसमें सारा सब्जी वगैरह है, सब कुछ पैक कर दिया। और पापा सुबह लेकर आए थे सोन पापड़ी, तो और चिप्स वगैरह सारा कुछ, बिस्किट सब पैक किया है उसने बस। खतरनाक। और ये सुमन जा रही है वहाँ तक छोड़ के आएगी, और मम्मी लक्ष्मी दीदी के घर तक। हाँ, लक्ष्मी दीदी के घर तक। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड बाई चल रहा है दोनों दादू और नातनी का। तो मेरे मम्मी पापा सुमन जब भी दिशु आती है बहुत खुश हो जाते हैं। और दिशु तो आने को ही नहीं मान रही थी, बोल रही थी कि आज मैं रुकूंगी, मुझे रुकने दो। और रास्ते में ना आते वक्त तो रो रही थी पूरा, तो उसे बहुत मुश्किल से चुप करा कर हम लेकर आए हैं। वो बेचारी बहुत सैड थी। चलिए अभी मैं ब्लॉगिंग बंद कर दूँगी, घर में जाकर अगर कुछ शूट करती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर चलिए चलती हूँ।